इसकी पॉपुलैरिटी तो आपको मैं बताऊं क्या बताऊं, पता ही है ना आपको, बच्चे थोड़ी है, बच्चे थोड़ी हो क्या, नॉर्मली जो है इतना लोग फैलते नहीं है जितना जिला फैल चुका है। तो ये जो है ना आप कोल्ड कॉफी दो करते हैं। तो खैर अभी जो है हम लोकेशन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं ये एक सरप्राइज ही रहने दे फिलहाल। तो फाइनली हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, शवारमा चने हैं और अच्छा। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिला फूड पॉइंट पे जो है ना पहुंच गए हैं और सामने वाले हाल पे ही हम बैठे हुए हैं। जिला भाई खुद अभी नहीं आए, वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना 2 बजे के पास आएंगे, तो अगर वो आते हैं तो इंशाल्लाह जो है हमसे थोड़ा सा मिलकर कर लेंगे। एक वीक में 7 दिन होते हैं और 6 दिन इनकी जो है ना डिशेज डिफरेंट होती है और 1 दिन जो है ना कोई रिपीट हो जाती है इनकी जो डिश होती है। तो आज के दिन शवारमा चना और मखनी हांडी के नाम से इनकी जो डिश है वो आज जो है ना बनाई जा रही है। तो अभी जो है नान वगैरह सर्व कर दिया गया है और जिस शॉप पे अभी हम बैठे हैं ये आई थिंक सो इनकी जो है ना मेन शॉप है जहाँ से इन्होंने स्टार्टअप लिया। अभी जो है खाना वगैरह आ चुका है, साथ ही हमें फरहान भाई ने ज्वाइन किया है, सो होप फॉर द बेस्ट। नॉर्मली 1-2 बाइट से आइडिया हो जाता है कि आप क्या खा रहे हैं। सो दिस टाइम मैं बहुत ही अच्छे मूड में था, तो जो है ना कुछ चीज़ें फ़न के तौर पे भी हमने की और कुछ हंसी मजाक भी किया और खाना भी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। वेल मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, लेकिन अगर अच्छा खाना मिल जाए तो मज़ा आता ना, दिल को सुकून सा मिलता है पैसे खर्च के। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लस्सी ऑर्डर की थी तो वो आ गई है, अभी खाने के बाद इसको जो है ट्राई करते हैं। अभी हम लस्सी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा इसका जायका है। आलू लस्सी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही रियर होता है, ऊपर सोने का वर्क लगाया जाता है, बादाम होते हैं। तो नॉर्मली गाँव में चाटी की लस्सी को बेहतरीन लस्सी जो है ना वो समझा जाता है, इनका आलू अपना स्टाइल है, तरीका है जो है ना जिस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इज द मेन थिंग, तो जिस पर ये कुछ चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, सोने का वर्क, बादाम या गरी, जिससे अच्छा जो है ना प्रेजेंट कर सके। टेस्ट में बिल्कुल इतना मजा आ रहा था कि दिल कर रहा था सारा ग्लास जो है अभी फिनिश कर दूं, क्योंकि नहीं कर सकता अभी, मजीद जो है हमारे नान वगैरह खत्म हो गए। अभी जो है हमने मजीद नान वगैरह ऑर्डर किया हुआ, ठीक है, वो आते हैं तो फिर इसको फिनिश करूंगा, इसको एंड में पीने का मजा है। अब खाना वगैरह में हमने एंड तक कर चुके हैं, अब एक सिप पसंद है। तो जी ये सामने वाला भी झीला है, इधर आगे भी झीला जो है इनकी शॉप्स वगैरह बैठने के लिए, इधर भी झीला है, ऊपर भी झीला है, ऊपर भी झीला है, ये सारा इधर से इस साइड पे जो है झीला ही झीला फैला हुआ है। नॉर्मली जो है इतना लोग फैलते नहीं है जितना झीला फैल चुका है। सो माय एक्सपीरियंस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम हैप्पी टुडे। ये तो खैर अभी जो है इधर हम कोल्ड कॉफ़ी के लिए आए हैं और थोड़ा सा टाइम है, वैसे तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा इधर जो है शूट कर लिए। तो ये इनकी एम्बियंस वगैरह है पेफल्स के नाम से माशाल्लाह जो है ये है। अभी भाई साहब हैं तो वो जैसे ही आते हैं तो फिर कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इनका है मेन्यू, तो ये जो है ना आप कोल्ड कॉफ़ी दो कर दें, ये वाले पहले वाले। तो खैर अभी जो है हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, विद इन 1-2 मिनट जो है अभी कोल्ड कॉफ़ी आ जाएगी। तो भी वेरी नाइस, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू प्लेस, न्यू मेमोरी, सो लेट्स सी अभी जो है ना आज का एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। पहले भी उम्मीद रहते हैं लेकिन इसका जो न्यू एक्सपीरियंस होने वाला, तो लेट्स सी। थैंक यू। एक तो ठंड का होना और दूसरा इस कोल्ड कॉफ़ी का जो है ना वो मज़ा आप ये कह लें दुबला हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। सो लिटरली दिस टाइम लोग मुझे देख के तो जो है ना जज कर रहे थे, ओ भाई बस कर दे, लेकिन तुहानू पता है कि चौधरी जी तो स्टार्ट हो गई फिर हटता कितों है। तो क्या जी वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि मैंने वेलकम बैक भी बहुत लेट किया और ठीक है, और आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी बाया, मैंने जो है ना अपने इंट्रोडक्शन भी बड़ा लेट स्टार्ट किया। आई नो बट सबर करो, जो अभी बात बताने जा रहा हूँ ये शायद आपको कभी किसी ने ना बताई हो। वैसे यार ये व्लॉग थे जो है ना अनएक्सपेक्टेड व्लॉग था, मैंने कहा कि व्हाई नॉट जो है ना आज जिले फूड जो कि स्ट्रीट फूड के नाम से जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और इसकी पॉपुलैरिटी तो आपको मैं बताऊं क्या बताऊं, पता ही है ना आपको, बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे थोड़ी हो क्या, इतना नाम सुना था जिला फूड, तो मैंने कहा वाई नॉट ट्राई और इसको जो है ना एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस के तौर पर मैं व्लॉग बना लूँ। तो आज ही हम लंच करने के लिए गए थे जिला। सो पहले तो वो लोग मुझे बताएं जो कि जिले फूड को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और दूसरे वो लोग मुझे बताएं कि जो जिले फूड को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, कोई वजह हो सकती है ना। तो क्या माई एक्सपीरियंस इज अबाउट नॉट जिला फूड, माई एक्सपीरियंस इज अबाउट जिला। एक ब्रांड ने ब्रांड को बनाया, एक ब्रांड ने अपनी डिफरेंट शॉप्स को बना के तो अपनी एक वर्थ बनाई है। जिला इज अ ब्रांड। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उधर गया था, मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने जितना उसका नाम सुना था ना और जो प्राइसेस हैं उसके खाने की, मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इको फ्रेंडली हैं,
और कोई भी जो है ना इजीली खा सकता है। जो आज डिशेस थी दो थी, एक 250 वाली थी, एक 350 वाली थी। हमने 350 वाली डिशेस अपने लिए जो है ना वो ऑर्डर की और टू बी वेरी ऑनेस्ट खाकर मजा आया। ऐसा नहीं है कि मैं बस जो है ना वो वीडियो के लिए कह रहा हूँ, मैं क्योंकि बता रहा हूँ ना कि एक अनएक्सपेक्टेड व्लॉग था। मैं बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे और जाने से पहले मैंने भी यही सुना था कि जीले का इतना नाम नहीं है, मतलब उसका खाना इतना टेस्टी, लेकिन मैंने ये सुना था कि जीला बहुत ज़्यादा जो है ना वो चला हुआ है। ठीक है, जीला बेसिकली वो ब्रांड है जो कि 2 बजे के बाद आते हैं, सम टाइम उसका टाइम ना हो, जैसे बंदे को कोई बीमारी शारी होगी तो बंदा कभी छुट्टी कर लेता है, तो मैंने उसका इंतजार किया। खैर मुझे लगा ही कि वो छुट्टी कर चुका है, इस वजह से मैं उसके साथ मिल नहीं पाया, नहीं तो आल तो मैं उसके साथ मिलना चाह रहा था। खैर जी, माय फ्रेंडली अबाउट जीला फूड रेस्टोरेंट इज माय गॉड लव इट। सो खैर इस व्लॉग के इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मजा आया उधर जाके। ठीक है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, हर बंदे का अपना टेस्ट हो सकता है, इसका इसका और इसका डिफरेंट जो है ना टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट परसेप्शन हो सकता है, डिफरेंट चीज़ों को नोटिस कर सकते हो। माइट भी ये एम्बियंस को देखता हूँ, माइट भी ये उसको देखता हूँ, माइट भी ये उसको देखता हूँ, माइट भी मैं ये देखूँगा कि खाना कैसा है। हर एक बंदे की अपनी जो है ना वो होती है, वो समझते हैं सोच। तो कह रहे इस लोग के इधर वाइंड अप करें, वीडियो को लाइक करते हैं अगर अच्छी लगी है। ठीक है, और बताएं मुझे जिले के बारे में आप क्या जानते हैं और आप क्या एक्सपीरियंस उधर जो है ना ऑलरेडी गेन कर चुके हैं या एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो क्या है। ठीक है, जिला बिल्ला नहीं हो, जिला। ठीक है, तो खैर इस वीडियो के इधर वाइंड अप करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं जिले के बारे में और शेयर मस्ट है उन दोस्तों के साथ जो जिला जाना चाह रहे थे। तो खैर इस वीडियो के इधर वाइंड अप करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अपने आप अपने भाई को दे इजाजत, और अगर थोड़ा सा फन ज्यादा हो गया, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया, मैंने जिले के बारे में ज्यादा बोल दिया, तो उसके लिए जिला जी माजरत ख्वाह। इट्स ऑल अबाउट द वीडियो, सो होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।